कल रात को सिटी पुलिस स्टेशन पीआई मैडम पुलिस अधिकारियों ने मुंबई एक्टों के तहत रात 11:30 बजे बंद के तहत मालेगांव में खुली हुई चाय की होटलें और खाने पीने की होटलों और चौक चौराहों पर मौजूद बैठे हुए अफराद पर कार्रवाई की। दुकानों होटलों से गैस सिलेंडर और कुर्सी वगैरह असिया जब्त की। इस तरह की पुलिस पेट्रोलिंग से लोग जल्दी ही दुकान को बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात 13 तारीख को एक गुने के सिलसिले में हम पेट्रोलिंग कर रहे थे और मालूमात निकल रहे थे, तब एक गोपनीय सूत्रों के अनुसार एक बातमी मिली कि शाह प्लॉट में कुछ लोग हथियार लेके बैठे हैं और उनके प्लानिंग दरोड़ा डालने की है। तो ये जो मालूमात मिली उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मेरे कर्मचारी हवलदार धारणकर, सांगले, खैरनार, ये हम वहाँ पे गए तो वहाँ हमको देख के वो भागने लगे। उनको हमने धर दबोचा। उनके पास से एक गाउठी कट्टा, 3 जिंदा राउंड, तलवार, कोयता, चाकू और मिर्ची पाउडर, ऐसे सामान उनके पास से बरामद किए। ये जो हाथापाई हो रही थी हमारी, उस वक्त कुछ 3 आरोपी भाग गए। वो भागने में से एक रब्बानी, एक नफसब कालिया, तीसरा मुशीर, ये लोग भागने में कामयाब हो गए और 7 लोगों को हमने धर दबोचा है। जो आरोपी भागे हैं उनके पीछे भी अभी पुलिस है और जल्द से जल्द उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। कल की जो कार्रवाई यहाँ पे हुई है, उस कार्रवाई का इफ़ेक्ट ऐसा हुआ है कि जो गुनहगार लोग हैं उनमें अभी दहशत का माहौल हो गया है। मैं आपके माध्यम से लोगों को अनुरोध करता हूँ कि पब्लिक ने किसी को डरना नहीं चाहिए, यानी जो गुनहगार है उनकी मालूमात हमको दो, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वैसे जो अवैध व्यवसाय है, जैसे कि गुटखा, MD पाउडर, गांजा, ये अगर कोई बेच रहा है, कुत्ता गोली, ये अगर कोई बेच रहा है तो इसकी मालूमात पुलिस को दो। हम यानी वरिष्ठ जो अधिकारी है हमारे, SP सर, एडिशनल सर, SDPO सर, इनके मार्गदर्शन के नीचे हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और आइंदा भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी।